जी का यह अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सावरकर जी का यह अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सावरकर जी का यह अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वीर सावरकर का कुमार, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। अभद्र टिप्पणीच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पार्टी आज या ठिकाणी स्वातंत्र्यवीर सावरकर उद्यानाच्या बाहेर आज आंदोलनासाठी बसलेली आहे। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं, असही ठेका चालतो। त्या सामनाचे संजय राऊत आज कुठल्या बेळामध्ये जाऊन लपले, एक शिवसेना सत्तेसाठी लाचारी किती पत्करायची याची एक मर्यादा असते। 2004 नंतर संजय उपाध्याय युवा मोर्चाचे अध्यक्ष होते, या मणिशंकर अय्यरला एअरपोर्ट वरतून बाहेर पडताना मी आणि राजेश शिरोडकर ने प्लॅनिंग केलं होतं, याला एअरपोर्ट वरती चपलेने मारायचं, पण आम्हाला आज जाता आलं नाही। याचा मागचा मोठा इतिहास आहे, जिथे आपण आज बसलोय त्या सुरू झाली की या ओळींचा अर्थ काय आहे। सावरकर उच्च आणि म्हणून तुम्ही आमच्या सोबत या घरात सौभाग्य म्हणून आलेले असलात वहिनी, तर तुम्ही सुद्धा तुमच्या मनाची सेम 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 तुम्ही स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणता ना। त्यावेळेला इथल्या पोलिसांना चिंता होती की आंदोलन किती वेळ चालेल, हिंदुस्थानात परत येतात या राहुल गांधी सुरू आहे। आपण सर्वांपर्यंत विषय नेण्याची जबाबदारी आपली आहे, सगळ्यांची जबाबदारी आहे आणि आपण जबाबदारीने चालू राहील। पोलिसांनी फार चिंता करायची गरज नाही, तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, कारण आज ती वेळ नाही। आम्ही म्हणून मगाशी म्हटलं, ज्या दिवशी काँग्रेसची सभा होईल त्या दिवशी तुम्ही मात्र तयारी द्या, एवढं सांगून थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। काँग्रेस पार्टी हाय हाय, काँग्रेस पार्टी हाय हाय। बल्कि सिर्फ ज्ञान बनाने के लिए अभिनंदन करता हूँ, वो अभिनंदनीय काम उन्होंने किया है, सराहना करे ऐसा काम है। लेकिन उन्होंने सावरकर जी की पहचान बोरीवली जैसे शांत, एक ये बोरीवली एक छोटा सा शहर है, शहर में अच्छे शहर यहाँ पर बसने वाले हर अच्छे नागरिक होते हैं, देशभक्त नागरिक होते हैं। सावरकर जी की पहचान तो थी, लेकिन और उनके दिलों में और उनके दिमाग में सावरकर जी के हिंदुत्ववादी विचारों का जो एक दिशा दर्शक ऐसा पात्र रहता है, मार्ग रहता है, वो बोरीवली के आने वाले समय के लिए एक दिशा दर्शक, मार्गदर्शक रास्ता उन्होंने हर नागरिकों के दिलों में बनाया है। देखिए, जिन भारत भूमि में जिन्होंने जन्म लिया है वो हर एक भारतीयों को सावरकर जी कर्मवीर, हमारे स्वतंत्रवीर सावरकर जी के बारे में हिंदुत्ववादी हर एक लोगों को सावरकर प्यारे हैं, क्योंकि हर एक लोगों को इतिहास मालूम है। इतिहास किसको मालूम नहीं है कि जो इटली से आई हुई है सोनिया, जिन्होंने जिनको मालूम नहीं है कि भाई भारत स्वतंत्र कैसा हुआ, भारत में किन किन लोगों ने अपना आहुति दी, बलिदान दिए, वो उनको मालूम नहीं है। तो सोनिया जी के इशारे पे चलने वाली कांग्रेस, उनको सावरकर क्या मालूम होगा। लेकिन साहब शिवसेना के बारे में मैडम बाला साहब ठाकरे, अभी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं रहेगी। अभी शिवसेना ये आघाड़ी सरकार की हमारे उद्धव जी ठाकरे और आदित्य ठाकरे की सेना बन गई है। अभी हिंदुत्ववादी शिवसेना नहीं है, अभी उनके साथ MIM है, उनके साथ समाजवादी है, उनके साथ सभी लोग है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, कम्युनिस्ट है, सब लोग उनके साथ है। लेकिन जिस सेना का जन्म हिंदुत्व के ऊपर हुआ, जिन बाला साहब ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ने हिंदुत्व पे शिवसेना खड़ी की, वो शिवसेना आज नहीं है। अगर उद्धव जी को इतना भी मराठी बाना लगता, वीर सावरकर के बारे में प्रेम होता, निषेध करके खुर्ची को बाजू में रख के अपना हिंदुत्व बताते थे। और मेरी यही मनीषा है कि अभी भी
जागना चाहिए, अपना जो हिंदुत्व का खून है वो अपना खून बाहर निकाल के अभी जो अपनी युति थी वो युति फिर एक बार करे। और माइक के माध्यम से आज आंदोलन करने का अवसर मुझे भी मिल पाया। ये ऊपर वैधानिक अधिकार जारी किया था उसको परिपूर्ण गोपाल शेट्टी जी ने किया, एक विधायक के रूप में, नगर सेवक के रूप में, एक खानदार के रूप में उन्होंने देशभक्ति के विशाल समाज के सामने रखकर आज हम तो आंदोलन कर रहे हैं। गोपाल शेट्टी ने ये सिद्ध करने के लिए बताया और राष्ट्रपति निर्माण करने की दृष्टि में जागरूक थी नई पेटी। कभी कभी लोग निकलते बच्चे छूटते हिंदी वीर सावरकर नाम क्यों दिया गया, सब उनके माँ बाप वीर सावरकर क्या थे, देश के लिए देशभक्ति के लिए वीर सावरकर ने क्या किया, उन्होंने सजा पाई और इस प्रकार से एक देशभक्ति काम तैयार करने की दृष्टि से गोपाल शेट्टी ने यहाँ वीर सावरकर उद्यान बनाया है और उसको ही लेकर आज हम वीर सावरकर के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक सांसद गोपाल चंडू जी ने बोरिवली में 50 से ज्यादा उद्यान बनाए। उनका हमेशा से कहना था कि देश पर कभी भी कोई संकट आएगा तो वीर सावरकर उद्यान से लोग यहां से निकलेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान जो कोईसर जिमखाना में वहां से लोग निकलेंगे, दहीसर में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगन बनाया वहां से लोग निकलेंगे, झांसी की गार्डन रानी बनाया जहां से महिला अपना वहां से अपनी प्रेरणा लेकर जो भी देश विरोधी शक्तियां इस देश में पनपेगी उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम इन सभी महापुरुषों के नाम से जो मैदान उद्यान बने वहाँ से निकले इस आस्था के साथ हमारे खासदार गोपाल शेट्टी जी ने यहाँ पर वीर सावरकर जी को यहाँ पर प्रेरित किया। और आप देखेंगे हमारी बोरोली बिल्कुल शांति प्रिय है, देशभक्ति से प्रेरित है बोरोली के हमारे नागरिक, बोरोली के हमारे नागरिक वीर सावरकर जी का पूरा सम्मान करते हैं और उनके विचारों पर चलने की कोशिश करते हैं। मैं गोपाल शेट्टी जी को नमन करता हूँ, उनके विचारों को नमन करता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रभक्तों के पुतले इस पूरे बोरिवली में लगाए। धन्यवाद। पूरे बोरिवली में स्वतंत्रता सेनानियों क्रांतिकारियों इसका महत्व को जताया है। सारे उद्यान उन्होंने झांसी की रानी फिर स्वतंत्र वीर सावरकर जी ऐसे महापुरुषों के नाम पर उन्होंने उद्यान रखे हैं। हमें गर्व है कि हमारे बोरिवली में और सावरकर उद्यान है तो हमें यहाँ हमारे हमें और पूरे बोरिवलीकरों को उत्तर मुंबई के लोगों को एक प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर आने के बाद में आपने देखा स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं और स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठते हैं उनको प्रेरणा मिलती है कि सावरकर उद्यान हमारे यहाँ पर है, सावरकर क्या है उसके बारे में चिंतन करने का मौका मिलता है। जो स्टूडेंट्स होते हैं अभी आपने देखा किस प्रकार से JNU के स्टूडेंट भारत तेरे टुकड़े होंगे कर रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर जो स्टूडेंट आते हैं वो देशभक्ति सीखेंगे। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गोपाल शेट्टी जी का कि उन्होंने इतना सुंदर और सावरकर उद्यान इस बोरिवली में बनाया ताकि हमें प्रेरणा मिलने का मौका मिले और सावरकर विचार करने का मौका मिले। और जिस तरह से पहले भी रामलीला मैदान में राहुल जिसको कोई समझ नहीं है सावरकर जी के इतिहास के बारे में समझ नहीं है और इसी प्रकार से टिप्पणी करता रहेगा तो हिंदुस्तान की प्रजा ये सहन नहीं करेगी और उसका दंगा बड़े पैमाने पे देंगे। अरे गोपाल शेट्टी और राहुल गांधी की तुलना तो हो ही नहीं सकती, ये तुलना करना ही पागलपन है। राहुल गांधी की तो तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। परमवीर सावरकर जी के अपमान के लिए वहाँ पर्चे बांधे जा रहे हैं, पूरे देश भर में उनके नाम पर कांग्रेस एक विचित्र टाइप का आंदोलन चला रही है मित्रों, और यह सब मात्र इसलिए कर रही है कि एक छोटे से व्यक्ति को जो छोटे सा विचारधारा देश में है ऐसे विचारधारा को तुष्टिकरण के राजनीति के लिए उनको खुश करने के लिए एक कांग्रेस हमेशा देशभक्तों को अपमान करने पर तुली हुई है। हम लोग हर मोर्चे पर गली में हर जगह कांग्रेस के इस विचारधारा को कभी जो है हम सफल होने नहीं देंगे। मोर्चा के रूप में धरने के रूप में जहाँ भी होगा हम अपने सारी की सारी हिंदुत्ववादी जो हमारी शक्तियाँ हैं वीर सावरकर जी 1883 में नासिक में पैदा हुए
रही है और उनको दादागिरी करने की आदत है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रप्रेमी जनता पार्टी, हिंदुत्व का विचार रखने वाली पार्टी, तो उनके सामने उनका कुछ भी नहीं चलता है। लेकिन ये पप्पू ना पद है उसके पास ना कुछ है, फिर भी वो बड़बड़ करता रहता है। उसका सुनने वाला कौन है? कोई भी नहीं सुनता है। उनको मालूम है ये ऐसा ही है। हमारे सेट्टी साहब है वो उगता सूरज है। हमारे सेट्टी साहब ने हमको इतना कंकर बनाया है, बारिश हो धूप हो कुछ भी हो, लेकिन खड़े कैसे रहने, वो हमको ताकत दी है। इसके लिए आज उनके आंदोलन में हम वीर सावरकर के आंदोलन में इधर खड़े हैं। रात हो दिन हो बारिश हो कुछ भी हो मिलेंगे नहीं। और वो जो राहुल गांधी है, वो राहुल गांधी क्या चीज है? उसकी तो हमारे साहब के सामने नाखून की भी सर नहीं। भारत देश में सावरकर जैसे जो है हमारे राष्ट्र संसद जे केलेला आहे त्याच्याबद्दल त्यांना अपमानाचा बदला तर आम्ही घेणारच आहोत, कारण त्यांच्यासारखा माणूस जन्माला येणं दुसरा नाही आहे। आणि त्यांनी जे सांगितलंय, राहुल गांधी यांनी जे वक्तव्य केलंय हे त्यांच्या मला वाटतं चपलेनी मारलं किंवा दुसरा जन्म जरी घेतला तरी सुद्धा त्यांच्या लायकीप्रमाणे काही नाहीये। महापुरुषों के ऊपर कीचड़ उठाएंगे और भारतीय जनता चुप बैठेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हर बार राहुल गांधी मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है और हम लोग, हमारे लिए ये प्रसिद्धि का माध्यम बन गया है कि हमारे महापुरुषों के ऊपर कुछ भी आरोप करिए, कुछ भी बुरा बोलिए और हम चुप बैठ के तमाशा देखे, ऐसा होगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में उतरेगी, हर बार उतरेगी। क्या राहुल गांधी ने कैसा ऐसा कौन सा काम किया है भारत के लिए, या क्या ऐसा किया है वो अपने अपना वडील क्या बोलते हैं हम लोग ने अपने गद्दी पे बैठ गए, उनकी दादी माँ ने उनके पिताजी ने काम किया और वो आके बैठ गए, उन्हें क्या मालूम है देश के बारे में, क्यों ये हो रहा है बार बार? कांग्रेस के नेताओं याद रखो, ये जनता भारत की नहीं सहेगी। जब आवाज उठेगा तो आपका पार्टी मुंह दिखाने के लायक नहीं, आपका आगा पीछा सब भूल जाओगे, इतना याद रखो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कांग्रेस को अपनी देशभक्ति के ऊपर प्रेम ही नहीं है, वो हिंदुस्तान के है ही नहीं तो हिंदुस्तान के लिए क्या करेंगे? हिंदुस्तान के लोग, ये लोग जो लोग हैं वही हिंदुस्तान के लिए मर मिटेंगे ना। इसलिए कांग्रेस के सभी बाहर गांव के हैं, बाहर देश के हैं, वो हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे आज तक। वो हिंदुस्तानी लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे। शेट्टी साहब तो पक्के हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी के हर एक व्यक्ति के लिए उनको बहुत प्यार है। वो हर क्रांतिकारी हर अपने नेताओं के लिए उनके मन में आदर है, इसलिए वो उनका अभी ये सब सावरकर उद्यान बनाया उन्होंने, झांसी की रानी बनाई, महिलाओं के बारे में भी उनको इतना ही आदर है। और ये सुभाष चंद्र बोस का क्रीड़ांगण वो भी बनाया, बाला साहेब ठाकरे तो अभी के हैं तभी भी उनके लिए भी उन्होंने गार्डन स्टेडियम बनाया। ऐसे शेट्टी साहब के लिए हमें बहुत आदर है और ऐसे उनके पीछे हम हमेशा रहेंगे, हर बोरियोली कर उनके पीछे रहेंगे। कुछ काम करो तो देश के लिए काम करो, हमेशा कुछ काम करो तो हमारे परिसर के लिए काम करो, लोगों के लिए काम करो, लोगों के व्यक्तित्व के लिए काम करो, लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए काम करो। और ये ऐसे नाकाम लोग, ऐसे कांग्रेसी लोग, जिस जिस लोग उसके साथ में आज जुड़े हुए हैं, वो सभी को मैं आवादा निवेदन करती हूँ कि अगर आपने आपकी माँ का दूध पिया है तो आप लोग ने यहाँ पे बैठ जाना चाहिए। यही दो शब्द के साथ जय हिंद जय भारत। ऐसे धन्यवाद। सावरकर सावर जी के सम्मान में भाजपा मैदान में, सावर जी के सम्मान में भाजपा मैदान में, मी यानंतर
की सावरकर गणेश भारे यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले मत निकाली गेली व्यक्त करायचं की गणेश भारे पूरे मुंबई तक की सारी जनता उससे जुड़ गई थी, पूरी जनता पदयात्रा करते हुए बोरीवली से दादर तक गई थी। यह निषेध करते हुए कि राहुल गांधी कितना अपमान किया है एक हिंदुत्ववादी हमारे देशभक्त स्वतंत्र वीर सावरकर का, और उसको लेकर के पूरी मुंबई की जनता के हृदय में एक चोट पहुंची है। लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी को इतना भी समझ नहीं आ पा रहा है कि जरा सा वो माफी मांगे। पदाधिकारी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का निषेध करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मित्रों, 70 साल से